हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्वेरियम प्लैनेट। पीछे देख के आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा एग्जैक्टली हमारा जो है वो सेटअप जो है फिश का हॉबी का वो बढ़ते जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग से तीन अपडेट शेयर करने वाला हूँ, जिसमें से ये एक अपडेट है जो दिखाई दे रहा है बट थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। तो तीन अपडेट है जिसमें से एक थोड़ी नेगेटिव है और दो जो है वो पॉजिटिव है। पहले शुरू करते हैं नेगेटिव अपडेट से। नेगेटिव है तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर बताना जरूरी है। पहली अपडेट जो बोल रहा था मैं, इसमें से प्लांट जो है वो प्रॉपर सर्वाइव हो ही नहीं पाए, उनके लीव्स डेड हो गए और काफ़ी एल्गी जमा हो गई थी। बट उससे ज़्यादा जो है वो दुख की बात ये है कि इसका जो साथी था बेटा फिश मेल, अनफॉर्चुनेटली उसकी जो है वो डेथ हो गई है। तो बहुत अच्छा मेल था, ब्यूटीफुल फिन्स के साथ मस्टर्ड बेटा फिश थी। इनफैक्ट फीमेल भी वही है, मस्टर्ड ही है, तो मैंने उसको भी इसी फिश टैंक में रखा है। बहुत एक्टिव फिश है बट अनफॉर्चुनेटली इसका साथ ही नहीं रहा। तो ये एक अपडेट देना था। तो एज ऑफ नाउ ये अकेली है। एल्गी कंट्रोल के लिए मैं सोच रहा हूँ इसमें कोई छोटी सी एक ब्रिस्टल नोज प्लेको डाल दूँ एंड मे बी इसके लिए मैं मेल लाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ क्योंकि एक नैनो टैंक है, इसके साथ और कोई छोटे फिशेस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वो कमेंट करके बता दीजिए कि बेटा फिश के साथ और कौन सी कंपैटिबल फिशेस हो सकती है, स्पेशली ये 1 फीट टैंक के लिए, छोटे से नैनो टैंक के लिए कौन सी प्रिफरेबल है। देर आर टू ऑप्शंस विच आई फील और आई थिंक, वन इज इधर आई शुड गो फॉर गप्पीज और आई शुड गो फॉर नियॉन टेट्रास, क्योंकि नियॉन टेट्रास भी बहुत छोटी होती है। लेकिन आपको अगर कुछ लग रहा है कि कुछ डिफरेंट कर सकते हैं या कौन सी बेटा फिश के साथ कंपैटिबल फिश हम रख सकते, प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। नाउ कमिंग टू द सेकंड अपडेट। The other update which I was talking was about the setup. ये तकरीबन यहाँ पर बहुत बड़ा सेटअप है, नीचे एक फिश टैंक आ सकता है, यहाँ पर मिड में आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर एक आ जाएगा। सो इट्स ह्यूज स्टैंड विच इज हैविंग 4 feet by 18 by, तो अराउंड 4 feet के टैंक्स आ जाएंगे, 3 टैंक्स आ जाएंगे। हाइट जो है वो 18 inch का मैं सोच रहा हूँ, सो दैट मेंटेनेंस शुड बी यर इजियर। इसके बारे में काम भी चल रहा है, यू कैन सी ओवर हियर ग्लासेस आ चुके हैं, मैंने ग्लासेस ऑर्डर करके रखे हुए यहाँ पे। एज ऑफ नाउ फिश टैंक का काम भी चल रहा है, सिलिकॉन भी है मेरे पास। बॉटम ग्लास पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, मैंने सपोर्ट ग्लास 2 इंच की दोनों साइड लगा चुका हूँ। दिस इज द सेकंड अपडेट विच आई वांट टू गिव यू गाइस। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। इस लिविंग रूम में आपको वहां पर टैंक दिख रहा है, यहाँ पर नैनो टैंक दिख रहा है। नाउ वी आर ग्रोइंग टू सम लेवल इन आवर हॉबी, सो दैट इज द रीजन दिस टैंक इज ओवर हियर। वी आर हैविंग अ ह्यूज स्पेस नाउ। लोगों को बोला था कि मैं बहुत जल्दी एक बिग प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहा हूँ, एंड not able to do it because I had some limitations because of space. Earlier mera yahan par bahut bada ek office ka table tha, it was like a huge table, so I rid of that table because unless main wo table nahi hataunga I cannot add on anything over here. I did that and instead of that ek chota sa table ye add on kiya hai, ye cupboard add on kiya hai. Shuru karenge ek tank se and we are going to add on slow and slow. So ye jo project hai iske liye mere kuch plans hai and what exactly I'm going to do, which fishes I'm going to keep or क्या करने वाला हूँ वो सब डिस्क्लोज नहीं करूंगा एज ऑफ नाउ। बट यस, वी हैव एडेड दिस, दैट्स अ बिग अपडेट फॉर मी एंड फॉर यू गाइस एज वेल एज एन एक्वेरियम हॉबिस्ट। सो यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट आर माय प्लान्स, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट। मैं थोड़ा सस्पेंस रखता हूँ, आप लोग से डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं क्या फिशेस रखने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ। इवेंचुअली आगे ऐसे सब पता चल जाएगा, लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट इज अबाउट काइंड ऑफ unboxing one product which I recently purchased. Now let's unbox this one. So I bought this from HM Digital. So just to let you know, this is not a paid promotion, this was in something which I need for my new project, which was I feel mandatory. So but the cheap packing is always there. So this is TDS meter, it's a digital meter. African cichlids, they need hard water, so unka TDS agar high rahega to chal jata hai, but when it comes to other fish like discus or some kind of tetras or which are compatible with the discus or kind of angel, so they require a soft water. This device will actually help us to know what is the TDS into the water. Hum demo karke dekhenge, try to demo on different kind of water. This one comes with a pretty good cover.
There is a case over here. मैंने ये HM Digital की वेबसाइट से ऑर्डर किया है. You can also buy it from Amazon if you want. Amazon में भी अवेलेबल है. I did order from the HM Digital directly because I found this product having 3 years of warranty. The model number is EDS3 Smart. The add-on benefit for this is this can also do a thermometer checkup. So there is a temp button over here. So we can check the temperature as well. This is a bill. इसके साथ मुझे ये user guide मिला है. So it's says 3 years warranty mention किया हुआ है. What is TDS? Total dissolved solid. So total dissolved solid कितना है amount आपके पानी के अंदर? So I'll just read and let you know. What is TDS? Total dissolved solids TDS are the total amount of mobile charged ion including minerals, salts or metals dissolved in a given volume of water. So particular volume में कितना salt है, mineral है, कितने metals है, ओके और कितने मोबाइल चार्ज्ड आयन्स है. TDS विच इज बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेस इन पार्ट्स पर मिलियन दैट इज PPM और मिलीग्राम पर लीटर दैट इज MGL. TDS इंक्लूड्स एनी कंडक्टिव इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट अदर देन द प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इज H2O एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स. TDS अफेक्ट एवरीथिंग दैट कंज्यूम लिव्स इन और यूजेस वाटर फ्रॉम फिश एंड प्लांट टू प्लंबिंग एंड लेबोरेटरी. फॉर पीपल द लोअर द TDS लेवल इन द वाटर यू ड्रिंक द मोर एफिशिएंट your body cells are hydrated and the higher the TDS level in the water the greater the probability of harmful contaminant that can pose health risk of hinder the absorption of water. So that is the reason agar aap log RO water use kar rahe ho RO water aapka TDS ko low kar deta hai. So anyways let me go through this manual. So guys I have went through this manual. This is the cap basically and these are the sensors. This is the point where we have to dip the water up till here. So these are the sensors. By this sensors we will get a reading. We have a power button over here, then this is the temperature button and this is a restart or a hold button. Start the power, you see now it shows. So now it is showing zero. What I have done is I have taken a multiple container of water. So this bottle contains my nano tank, that one. This water contains African chocolate tank and this water contains my sump over there. This one is my tap water. This is the water from RO. So RO se maine ye water liya. So we will do one by one test and try to see what are the numbers we are getting. So the instruction says we have to dip for around 10 seconds. So we'll dip this. So there was a beep, so let me check. So it's going up until it gets stable. Jab tak ek stability wala numbers nahi milta, so it is showing there. It gives intimation as well. So 205 ppm बता रहा है. इसकी रीडिंग हमको मिली है 205. This is my nano tank. Now let's see this one. 1, 2, 3. See this my African chocolate tanks. Oh, something went wrong. Let's do again. जब तक double beep नहीं बजता हमको उसको हटाना नहीं है क्योंकि this will increase fluence slowly. Yes. Now we can remove. So it shows 838. My goodness. Possible because it's an African chocolate. The kind of decoration we have kept into the tank. दो स्टोन्स जो कैल्शियम रिलीज करता है, पीएच को बढ़ाता है एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ स्टफ कमिंग फ्रॉम इवन फ्रॉम द सम्प. यस पॉसिबल. आई थिंक द टैंक इज आल्सो वेरी डर्टी सो आई शुड डू सम डीप क्लीनिंग. थोड़ा वाटर चेंजेस भी करना पड़ेगा. दैट इज द रीजन इट इज वेरी हाई राइट नाउ. आई विल जस्ट शो यू. सी द पोजीशन ऑफ द स्टोन. उसने कलर पूरा चेंज हो गया उसका. लेट्स चेक विद दिस सम्प वाटर. आई थिंक सम. सो इट इज शोइंग जीरो. यू गाइस कैन सी. लेट मी डीप इन. थोड़ा कॉशियसली डीप करना पड़ता है बिकॉज सेंसर्स उसका एक लिमिटेशन है. हम वहीं तक जा सकते हैं. करेक्ट. नाउ आई टेल यू द फिगर इट इज शोइंग. इट इज अराउंड 760. द रीजन इट इज शोइंग लेस देन दिस. दिस वॉज शोइंग अबाउट 800 एंड दिस इज शोइंग लेस देन 800 इज बिकॉज इवन दिस वाटर इज फ्रॉम सम्प बट दिस इज द फाइनल वाटर आफ्टर फिल्टरेशन. सो पानी काफी जो है वो फिल्टर होने के बाद निकल रहा है. दैट इज द रीजन. और अच्छा आना चाहिए बट even my sub needs a cleaning. You understand कि ये meter कैसे help करता है. Now this has given me alarm for specially for this too. It means मैंने काफी time से इसको deep cleaning कुछ भी नहीं किया. So upcoming work after this project definitely would be थोड़ा gap देने के बाद again deep cleaning with this sump, making sure the biological media is not affected. Now let's check out tap water. Let's see the reading for the tap water. So I'll dip into this. Wow, 65 ppm. It means
मीन्स दैट पानी जो हमारा आ रहा है सो ऑब्वियसली ये बहुत कम बता रहा है एंड विच इज गुड फॉर मी एज वेल बिकॉज दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर एंड इट मीन्स दैट जो पानी आ रहा है अच्छा आ रहा है बट स्टिल दिस इज अ स्टोर्ड वाटर 65 इज गुड आई मीन अनएक्सपेक्टेड लेट्स सी विद द आरओ वाटर लेट्स डिप इनटू आरओ वाटर बजने दो आई नो यू गाइस कैन नॉट सी द स्क्रीन बिकॉज आई एम नॉट एबल टू होल्ड प्रॉपरली सी 53, even less than tap water, which was stored water, because this is RO water. But it means that apna tap water bahut acha aa raha hai. Acha aa raha in the sense, with low TDS. Good one. As of now, I'm worried about this too. Not much worried because they require high TDS anyways. This is way big TDS if I compare with even my tap water. And that is because, and even we checked with the nano tank, it showed 205. Because there is a lot of soil over there, plants over there, and a lot of things. So when the moment the fishes comes, we give them food. और वो poo भी करते हैं, वो गंदगी भी करते हैं, और उनका हम खाना भी खिलाते हैं, जो uneaten food रहता है. Also the bacteria gets developed into it. That is the reason. Pretty cool, huh? I mean, I love this product. So guys, this is the HM Digital TDS 3 model. Okay, by the way, this product is designed from Germany and Korea. And manufactured in India. So that is what mentioned into the manuals. So that is the reason I went with this product. What I'm just saying is go for the reliable brand always. So that gives you more kind of warranty kind and more kind of accuracy. By the way, they have mentioned also about the accuracy part into this. So they have mentioned +/-2% accuracy unka +/-2 hai. And yes, calibration factory calibrated aata hai. Isme temperature bhi dikhta hai. So it is good that mere paas do storage tank hai, do jagah mera tap water aata hai, so I can do a testing and also check a temperature. Ek storage tank meri jo hai wo thoda external wall ke paas hai aur ek jo hai wo internal wall ke paas. So let's say if it's an afternoon time or main agar if I am taking water from a tap water which is near to the external wall, to obviously wahan ka temperature din afternoon ke time pe ya din ke time pe zyada dikhayega, and the one which is at the inner part of my house, it will show little lower temperature. So that will help me to figure out ki paani kahan se mujhe lena chahiye yahan se. It will not give a perfect water parameters required for the fishes, but it will give me an flexibility check on before I take a water. Don't just take a tap water and put directly into your fish tank. If you are doing it, make sure ki aap uske andar water conditioner dal rahe ho. So I hope you like this video and you like this updates all about. I am really excited and very soon I will update you. So let's sign off this video. Do subscribe my channel, notification bell ko zarur press kar dena so that you get this kind of all information and updates about the aquarium. I have a big plans with the aquarium hobby, and that is the reason we are growing with this channel, with this family all around, and very soon good content is going to come in. Till the next video mein, till then see you, goodbye, bye.